चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो मैं बात दावे से कह सकता हूं कि पेमेंट का 14 दिन का ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक अध्यादेश है, और जो लोग व्यापारी जो मिल मालिक इस बात को नहीं मानेगा, 14 दिन में पेमेंट नहीं कराएगा, तो उस मिल को नीलाम करके सरकार अपने हाथ में लेगी और किसानों को 14 दिन में पेमेंट देगी। गुज्जर जाट से कुछ नहीं है, सब किसान है, किसान का मुद्दे हैं, और किसानों के साथ वाकई में भाजपा ने गलत किया है। जैसे श्यामली के अंदर है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है चिकित्सा के लिए, यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई भी बीमारी हो जाती है, जैसे पीछे कोरोना की बीमारी हुई थी तो ना तो लोगों को हॉस्पिटल मिला, ना डॉक्टर मिला, ना नर्स मिली, ना दवाई मिली, सड़कों पर दम तोड़ दिया। सीसीए की यूपी चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शामली विधानसभा के राष्ट्रीय लोकदल के और महागठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी जी हैं। प्रसन्न जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सीसीए में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी नमस्ते। प्रसन्न जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो अब सबके जहन में है कि एक बहुत बड़ा और एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ है इस बार, क्या आपको लग रहा है कि उस किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं एक प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जब कोई युद्ध होता है, और मैं तो ये कहूँगा ये किस्म से युद्ध था, बहुत बड़ा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन ही था, और जब युद्ध में जीत होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसानों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और उसमें 7.5 साल लोगों की शहादत हुई है, उसका रोष भी है किसानों के अंदर। 12 महीने तक किसान वहाँ लगे रहे, और इसमें आदरणीय राकेश टिकैत जी और आदरणीय नरेश टिकैत जी का अहम योगदान रहा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने जन जन का आंदोलन इसे बनाया, लगभग 50 रैलियाँ इस क्षेत्र में करी, और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो रहे। तो अब किसान, सारा किसान, टोटली 100% किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और कंधे से कंधा मिला के इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तैयार खड़ा है। बीजेपी को हराने की बात करी, आप भी काफ़ी समय से बीजेपी में रहे थे, क्यों आपको लगा कि अब इस पार्टी के साथ नहीं और रहा जा सकता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो, मैं वैसे तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं किसान पृष्ठभूमि से हूं, मेरे बाबा जी मेरे पिताजी सब किसान रहे, और हम सब लोग चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं, और हम सब उनके अनुयायी हैं। और जिस पार्टी में मैं चला गया था, जब वहाँ उन्होंने जो वायदे करे, और जब वहाँ किसानों की अपेक्षाएँ होने लगी, वायदे करे उन्हें पूरे नहीं करे, कहीं किसानों को आंदोलन जीव बताया गया, कहीं मवाली बताया गया, कहले हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, अब मेन चीज़ हमारे क्षेत्र में क्या है वो गन्ना है, गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का भाव की बात करी, भाव नहीं दे पाए, ना वो गन्ने का भाव दे पाए, ना वो गन्ने का पेमेंट दे पाए, और किसानों की इतनी उपेक्षाएँ उस पार्टी में हुई, तो मैंने वही समझा जो सच्चाई भी है कि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर किसानों की बात करती है। तो इसलिए जब अपने लोग जहां होंगे और उनकी उपेक्षाएं होंगी, तो हम वहां करेंगे क्या, हमने उसे छोड़ दिया। किसानों की हम बात करें, जो भाजपा ने कहा था 5 साल पहले, जब सत्ता में आने से पहले, कि भाई अगर उनकी सरकार बने तो वो 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट करवा के ही रहेंगे, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि 14-14 महीने लग रहे हैं गन्ने की पेमेंट होने के लिए। इसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आप इसमें क्या बदलाव लाने की सोच रहे हैं, किस तरह से? जो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये श्यामली जिला है, यहाँ जो किसान हैं वे 10 बीघे के, 5 बीघे के, 20 बीघे के किसान हैं, और इनकी 95% खेती गन्ने से चलती है, इनके खर्चे उस गन्ने के पेमेंट से चलते हैं। उस किसान का क्या होगा जिसे साल भर से पेमेंट नहीं मिली, और जिसकी कम से कम अब भी पेमेंट इस पुरानी 100 करोड़ की रुकी हुई है और नई 300 करोड़ की होगी, तो वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा? उसका बच्चा यदि कोई बीमार हो जा, वो उसकी इलाज कहाँ से कराएगा? और उसके घर में शादी भी होगी लड़की की, यदि लड़की की वो शादी करने लगे, कोई और प्रोग्राम करने लगे, वो तो कहाँ से करेगा? यदि वो बीमार हो जाए, उसके गुर्दे की प्रॉब्लम हो जाए, दिल की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे 20-30 लाख रुपए कहाँ से लेकर होगा? जब उसने जो गन्ना डाला उसकी पेमेंट मिल नहीं रही,
अब जो नया गन्ना डाल रहा है उसकी पेमेंट मिल नहीं रही तो क्या हो। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है और ये लोग देख नहीं रहे हैं। इनके पास आंकड़े जो जाते हैं वो गलत सलत जाते हैं। हमारे यहाँ का गन्ना मंत्री है, गलत सलत आंकड़े पेश करके हमने तो इतने करोड़ का पेमेंट करा दिया। अरे इतने करोड़ से क्या मतलब है पेमेंट? देखो उन्होंने कितना गन्ना डाल रखा है, भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं। वो लिखित में पर्ची पर लिखा हुआ है, ये तो केस करना तो भी हो जाना चाहिए। सरकार ने ये तो सिस्टम बना नहीं रखा। रही बात हमारी, हमें यदि मौका मिलेगा तो मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि पेमेंट का 14 दिन का ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक अध्यादेश है। और जो लोग व्यापारी, जो व्यापारी, जो मिल मालिक इस बात को नहीं मानेगा, 14 दिन में पेमेंट नहीं कराएगा, तो उस मिल को नीलाम करके सरकार अपने हाथ में लेगी और किसानों को 14 दिन में पेमेंट देगी। तो आप कह रहे हैं कि मिलों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है अगर वो समय पर अपना भुगतान, बिल्कुल होगा, ये बहुत बड़ा एक कदम होगा, क्योंकि बहुत सारी राष्ट्रीयकरण जो थी भी मिले उनको प्राइवेट भी किया गया, तो शायद इसकी ज़रूरत हो। प्रसन्न जी, एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने देखा था यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई आई थी 2013 में किसानों के बीच में, हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, एक दंगे के बाद। क्या आप देख रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन से जो बड़ी बड़ी यहाँ महापंचायतें हुई हैं, क्या वो खाई पार्ट, क्या उस खाई में कमी आई है, क्या वो एक एक ब्रिज बना है दोनों समुदायों के बीच में, और क्या वो साथ इस बार चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ जो बीजेपी सरकार धर्म के आधार पर बांट के सरकार बना लेगी थी, और यहाँ दोनों समुदाय के बीच में बड़ी खाई पैदा इन्होंने कर दी थी, लेकिन यहाँ एक भाईचारा स्थापित था जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था, हिंदू और मुस्लिम का, और उसमें सुनील और सलमान एक साथ बैठ कर ईद मनाते थे, दीपावली मनाते थे, होली मनाते थे, खेलते थे, कूदते थे। इन लोगों ने उसे ख़त्म करने की कोशिश करी, ये कोशिश मात्र थी इनकी, इन्हें फ़ायदा भी हुआ है। अब आदरणीय जयंत चौधरी ने और अखिलेश यादव ने, और उसमें मैं जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं उनका भी नाम लूँगा, इस खाई को बिल्कुल पाट दिया है, और इस आंदोलन से खाई पट चुकी है। और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस टाइप का कोई मामला होगा, क्योंकि किसान है, किसान के अंदर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर जाति वर्ग है, त्यागी हैं, शर्मा हैं, मतलब ब्राह्मण हैं, कश्यप हैं, ये सब गुज्जर हैं, ठाकुर हैं, ये सब किसान हैं जी। तो यहाँ तो किसान का मुद्दा है, जाति का मुद्दा नहीं। जाति का और धर्म का मुद्दा तो बीजेपी वाले करते हैं, और वो मुद्दे अब चलने वाले हैं। एक चीज़ बताइए, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये जाति का मुद्दा नहीं है, किसान का मुद्दा है, लेकिन जो बड़ी यहाँ पर जो 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 समाज, जो आप कह रहे हैं कि मतलब जाट हो, गुर्जर हो, त्यागी हो, ये जो खेती में जुड़े हैं जो लोग, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जाट गुर्जर इस बार किसान आंदोलन की वजह से साथ आएंगे क्या? जो अक्सर देखा गया कि अलग अलग वोट करते हैं चुनावों में। नहीं, किसान आंदोलन पर सब साथ हैं, और आप देखना श्यामली विधानसभा इतिहास रचेगी, वहाँ गुज्जर का भी मुझे मार्जिन में वोट मिल रहा है, वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा लगाव करते हैं, और जाटों का मिल ही रहा है। तो यहाँ तो गुज्जर जाट से कुछ नहीं है, सब किसान हैं, किसान का मुद्दे हैं, और किसानों के साथ वाकई में भाजपा ने गलत किया है, उनकी उपेक्षाएँ की हैं, MSP ये नहीं दे पाए, पेमेंट ये नहीं दे पाए, भाव ये नहीं दे पाए, ऊपर से 3 काले कानून के ऊपर थोपने की कोशिश करी गई। चलो काले कानून आप थोप रहे हो तो कम से कम इन्हें आतंकवादी तो ना बताओ, इन्हें मवाली तो ना बताओ, इन्हें आंदोलनजीवी तो ना बताओ, तो बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने की। प्रसन्न जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जो आपने कहा कि भाई किसी को कोई गुर्दे का ऑपरेशन हो या कुछ हो तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत उत्तर प्रदेश का सबसे खराब स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य की हालत सबसे खराब है पूरे देश में, लेकिन यहाँ की अक्सर राजनीति देखा जाता है पश्चिमी यूपी की थाना कचहरी तक ही सीमित रह जाती है। क्या इस तरह के मुद्दे, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, क्या यहाँ की राजनीति का और इतने बड़े आंदोलन के बाद, क्या आप भी, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार है, क्या इन चीज़ों को, क्या यहाँ की राजनीतिक, क्या राजनीतिक राजनीतिक मुद्दे बनेंगे ये चीज़ें यहाँ पर? नहीं देखो, हम तो बार बार इन बातों को उठा रहे हैं, और ये वाकई में ऐसा मुद्दे हमें बनाने भी चाहिए। कारण यही है, जैसे श्यामली के अंदर है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, चिकित्सा के लिए यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई भी बीमारी हो जाती है, जैसे पीछे कोरोना की बीमारी हुई थी तो ना तो लोगों को हॉस्पिटल मिला, ना डॉक्टर मिला, ना नर्स मिली, ना दवाई मिली, सड़कों पे दम तोड़ दिया।
और अब भी उसके बाद भी अभी डेंगू की एक बीमारी चली थी यहाँ, और डेंगू के अंदर यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी व्यवस्था नहीं है ऐसी कोई कि भाई जैसे प्लेटलेट निकालने की मशीन तक यहाँ उपलब्ध नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, तो इससे ज़्यादा गिरी हुई व्यवस्था और क्या हो सकती है। अब जब प्लेटलेट निकालने के लिए अभी शामली ज़िले में मशीन नहीं है तो क्या हो सकती है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, खेलों के लिए कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है जिला स्तर का, कुछ नहीं है। तो ये मुद्दे हैं हमारे जहन में हैं ये मुद्दे, और जो संकल्प पत्र चोट साहब ने तैयार किया है उसके अंदर भी खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए, तो उसमें युवाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसमें पॉइंट हमने दिया हुआ है। देखो एक तो है रोज़गार का मुद्दा, नौजवान जो है हमारे उन्हें रोज़गार नहीं मिला, 2 करोड़ का गारंटी दे के ही चले थे, वायदा करा था, और उन युवाओं को, उन नौजवानों को इन्होंने, जब उन्होंने अपना हक मांगा तो पुलिस के डंडे उन पर बरसे, ये बहुत बड़ी बात है, उनके बहुत दर्द है और वो इसमें बदला लेंगे। दूसरी बात, हम व्यापारियों की बात भी उठा रहे हैं, जो हमारे व्यापारी लोग हैं, जब इन्होंने नोटबंदी करी, यहाँ क्या है श्यामली छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, 1 लाख का वोट है इसकी, तो यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, ठेली वाले हैं, यहाँ बड़ा व्यापारी नहीं है, मॉल नहीं है, लेकिन जब इन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी में क्या हुआ, नोटबंदी में देश को नुकसान हुआ, फ़ायदा तो कुछ हुआ, लेकिन ये जो छोटे छोटे व्यापारी थे, इनकी जो ये कैश रखते थे, कैश से इनका लेना देना होता था, वो ख़त्म हुआ, छोटे व्यापारियों को इन्होंने नुकसान पड़ा। ये पूंजीवाद पे चल रहे हैं और कुछ पूंजीवादियों को बढ़ाना चाहते हैं जी। ये इन छोटे छोटे व्यापारियों को उनके नौकर बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम मांग उठाते हैं, व्यापारियों की भी उठाते हैं, नौजवानों की भी उठाते हैं, किसानों की भी उठाते हैं, महिलाओं की भी उठाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात भी हम करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था के ये जो ढिंढोरे पीट रहे हैं वो भी इनका बिल्कुल फैल है, क्योंकि हमारे एरिया में अभी 2 महीने पहले औरतों के बाले घर घर में जा जा कर रात को ही बाले छीन लिए, और ट्यूबवेल जो होती है यहाँ, ट्यूबवेल जिससे किसान पानी निकलता है वो पाड़ दी, और तो और यहाँ तक हो गया जो आज तक नहीं हुआ था, जो ऊपर तार लगे हुए हैं बिजली के वो भी खोल कर ले गए, तो बहुत सी बात है। प्रसन्न जी, आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, क्या मुद्दे आप यहाँ पर क्या कदम उठाना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए? राजनीतिक रूप से भी कम सामने या महिलाएं आती हैं पश्चिम यूपी में, तो क्या मुद्दे उठाना चाहेंगे? देखो सबसे बड़ी बात तो है, जहाँ महिला का सम्मान होगा, जिस घर में जिस परिवार में, वो परिवार तरक्की करेगा। हम महिला का सम्मान करेंगे, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने सबसे पहले 22 बिंदु जो दिए हैं उनमें एक बिंदु है, जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 50% आरक्षण की बात करी गई है, सरकारी जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है जी। दूसरी बात है, जो इन्होंने हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे जिससे महिला का सम्मान बढ़े। इन्होंने तो जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें एक महिला के चीरहरण हो गया था, उसमें भी कुछ नहीं किया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। महिला होती है, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके लिए हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। ये थे शामली के महागठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी जी। प्रसन्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोग भी CCA के साथ जुड़े रहें, यूपी की चुनावी खबरें आप तक आती रहेंगी। धन्यवाद।